नमस्कार दोस्तों, मैं नंदू जाट और आप देख रहे हैं नंदू जाट सीके चैनल। और दोस्तों, अगर आपके पास में ऐसे 5 रुपए के सिक्के पड़े हुए हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ एरर कॉइन्स के बारे में जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों, इनमें से कौन से सिक्के आप मेरे को सेल कर सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप जरूर देखें। आज हम बात करने वाले हैं मदन मोहन मालवीय के सर्कुलेटिंग कॉमेमोरेटिव 5 रुपये कॉइन के बारे में, जो कि 2011 में जारी किया गया था। बात करेंगे इस सिक्के के कंडीशन के बारे में और इसके कीमती होने के बारे में। कौन सा सिक्का है जो कीमती है, या फिर ये सिक्का ओनली सर्कुलेशन का ही सिक्का रह गया है। तो दोस्तों, अगर आपके पास में ऐसे सिक्के पड़े हुए हैं तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखें। इस सिक्के के अंदर आपको एक बड़ी कंफ्यूजिंग नजर आती है, वो ये आती है कि इसके अंदर आपको एक एम का मिंट मार्क नजर आता है, उसके बारे में भी हम पूरा डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों, जानेंगे इस सिक्के की कीमत के बारे में। उससे पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबा ले, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो भी एक वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, ये जो सिक्का है ये मदन मोहन मालवीय की 150वीं जन्म शती पे जारी किया गया था। ये सिक्का भारत के चारों मिंटों में जारी किया गया था, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। तो सिक्के की कीमत की बात करने से पहले सिक्के के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये सिक्का ओवर साइड से देखने में आपको सबसे ऊपर अशोक स्तंभ नजर आता है, उसके नीचे सत्यमेव जयते, उसके नीचे 5 रुपये लिखा हुआ नजर आएगा, और एक साइड में भारत हिंदी में तो दूसरी साइड में इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ नजर आता है। सिक्के को पलटी करके देखते हैं तो सबसे बीच में आपको मदन मोहन मालवीय की फोटो की थीम्स लगी हुई नजर आती है, उसके साइड में आपको मदन मोहन मालवीय की 150वीं जयंती लिखा हुआ हिंदी में नजर आता है, और उसका अपोजिट में आपको 1/5 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मदन मोहन मालवीय नजर आता है। उसके नीचे हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिंट ईयर नजर आता है जो कि 2011 लिखा हुआ है, उसके नीचे आपको मिंट मार्क नजर आता है जो कि बॉम्बे का मिंट मार्क है। दोस्तों, सिक्के की कीमत की बात करने से पहले एक छोटी सी कंफ्यूजिंग और दूर कर लेते हैं। कुछ सिक्कों के अंदर आपको नीचे में एम लिखा हुआ नजर आता है, ये एम मिंट मार्क का सिक्का रेयर या फिर कौन सा सिक्का? तो दोस्तों, रियल में ये सिक्के रेयर होते हैं, ये भी एक प्रूफ सेट के सिक्के होते हैं, और प्रूफ सेट के सिक्के हमेशा रेयर होते हैं। लेकिन कुछ मिंटों के सिक्के होते हैं प्रूफ सेट के सिक्के, उनको सर्कुलेशन के अंदर मतलब जारी कर दिया जाता है। इसके लिए कुछ ये सिक्के कलेक्टिबल तो होते हैं लेकिन उतनी ज्यादा कीमत नहीं होती। दोस्तों, नॉर्मल सर्कुलेशन की कीमत की बात करने से पहले हम कुछ एरर कॉइन्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये डाई शिफ्टिंग कॉइन है, इस तरह की शिफ्टिंग कॉइन की कीमत आपको 700 से 800 रुपए दिला सकती है, और अगर ये डाई शिफ्टिंग थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तब इस सिक्के की कीमत उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे इस तरह का आपके पास में कोई सिक्का होता है तो आपको ये सिक्का दिला सकता है 7,000 से लेकर 13,000 रुपये तक। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा इन सिक्कों में से आप कौन सा सिक्का मेरे को सेल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले इन सिक्कों की कीमत जान लेते हैं। इनमें अगर आपके पास में कोलकाता मिंट का सिक्का होता है वेरीफाइन कंडीशन में, तब आपको उस सिक्के की कीमत 18 से 20 रुपये मिलती है। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में कोलकाता मिंट का सिक्का होता है तो आपको मिलती है 40 रुपये, और UNC कंडीशन में इस सिक्के की कीमत आपको 70 रुपये तक मिलती है। मुंबई मिंट का सिक्का अगर आपके पास में होता है तब आपको वेरीफाइन कंडीशन में इस सिक्के की कीमत 24 से 25 रुपये मिलती है। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ये सिक्का 25 रुपये का मिलता है, और UNC कंडीशन में इस सिक्के की कीमत आपको 50 रुपये से लेकर 52 रुपये तक मिल जाती है। नोएडा मिंट का सिक्का अगर आपके पास में होता है तब आपको इस सिक्के की कीमत एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 25 रुपये, वेरीफाइन कंडीशन में 25 रुपये, और UNC कंडीशन में आपको इस सिक्के की कीमत 60 रुपये तक मिल जाती है। हैदराबाद मिंट का सिक्का ये आपको वेरीफाइन कंडीशन में 40 रुपये तक दिला सकता है, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इस सिक्के की कीमत आपको 40 रुपये तक मिलती है, लेकिन UNC कंडीशन में इस सिक्के की कीमत यहाँ पे आपको 150 रुपये तक दिला सकता है। तो दोस्तों, ये तो हो गई इन सिक्कों की कीमत की बात। अब मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास में अगर एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का हैदराबाद मिंट का सिक्का होता है तो आप ये सिक्का मेरे को भी सेल कर सकते हैं।
तो दोस्तों नंदू जाट RJ23 इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करके इस सिक्के की फोटो भेज सकते हैं और आप ये सिक्का मेरे को सेल भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पे खत्म करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको समझ में आ जाती है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें। और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।